हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत रिक्वेस्टेड है, बिकॉज आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं 2 मंथ्स आफ्टर माय सी सेक्शन डिलीवरी कैसा है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या चीज़ें मैं फील कर रही हूं, वो सब कुछ आपको पूरा बताऊंगी। स्टिचेस, वेट, ब्लीडिंग, एवरीथिंग आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ माय सी सेक्शन डिलीवरी। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बात करती हूँ अपने वेट की। जब मेरे डिलीवरी हुई तो जैसे ही वेट, आप प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने अराउंड 11 केजी अपना वेट गेन किया था। और जब मेरा बेबी डिलीवर हो गया तो मेरे बेबी का जो वेट था वो 2.7 केजी था। एंड उसके अलावा मैंने टोटल जो है वो करीब 8 केजी जितना वेट जो है वो मैंने उस टाइम पर लूज कर दिया था, इंस्टेंट जो बोलते हैं बेबी होने के बाद। एंड उसके बाद 2 महीने आज जब मैं वेट करती हूँ तो मैंने वापस से ऑलमोस्ट उतना ही, जैसे 8 केजी लूज किया था तो मैंने 6 केजी तक अपना वेट वापस से गेन कर लिया है सिर्फ 2 महीनों में। तो ये बहुत नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेट गेन होता है, वेट लूज होता है, सब कुछ होता है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तुरंत तो आपका वेट लूज होता ही है, लेकिन जब बेबी को आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो आपकी डाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें आप वेट गेन करते हो तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी ऐसा ही हुआ था, मेरे साथ बेबी हुआ था, उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट जो है जितना लूज़ किया था उससे ज़्यादा बाद में गेन कर लिया था ओवर द पीरियड। तो 6-8 महीने में वेट गेन हो जाता है, तो वो मैंने भी वेट जो है वापस से गेन भी कर लिया है जितना था। और अगर टमी फैट की मैं बात करूँ तो मेरा जितना भी टमी फैट था अभी उतना ही है, कम नहीं हुआ है। हालांकि बहुत ज़्यादा मेरा बेबी बम्प बहुत बड़ा नहीं था तो इसलिए बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होता, लोग अपने कंपैरिजन में मेरा बोलते हैं। बट मेरा अपने खुद के कंपैरिजन में अगर बोलूँ तो मेरा भी बेली फैट जो है वो बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हुआ जितना था। थोड़ा बहुत का अंतर आया है बट अभी काफ़ी है। जैसे मेरा पोस्ट प्री प्रेगनेंसी जो मेरा बेली था उससे मेरा थोड़ा निकला हुआ है। अभी मैं कोई फिटिंग वाली ड्रेस पहनती हूँ तो वो विजिबल रहता है, तो उस पर मुझे अभी काम करना है। तो ये तो हो गया वेट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद बात करती हूँ स्टिचेस पे। तो स्टिचेस जो थे वो मेरे इस बार स्टेपलर वाले स्टिचेस थे, फर्स्ट टाइम मेरे जो थे वो डिसॉल्व होने वाले थे। तो अभी जो स्टेपलर स्टिचेस थे तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि स्टेपलर होने की वजह से मुझे जो पेन है आफ्टर 10 डेज ऑफ डिलीवरी, उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा, ये मतलब मुझे 15-20 दिन तक तो काफ़ी ज़्यादा पेन मुझे फील हुआ। और जो 10 दिन में थे वो भी ज़्यादा पेनफुल थे इन कंपैरिजन टू डिसॉल्व वाले जो स्टिचेस थे उनसे। उनमें उतना पेन नहीं था जितना इस पर, ऐसा लगता था कि हाँ कुछ चुभ रहा है, शायद वो जो स्टेपलर थे वो थोड़े मतलब मेटल है तो शायद वो उस वजह से चुभते थे या जो भी है। तो मेरे को वो एक चीज़ महसूस हुई कि मेरे इस बार के स्टिचेस जो थे वो काफ़ी चुभने वाले पेनफुल थे। पेनफुल तो थे बट ऐसा था कि चुभ रहे हो, तो वो था। और उसके बाद भी इनकी हीलिंग में या फिर मतलब मुझे फिट फील करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो 10-12 दिन में तो मेरे स्टिचेज रिमूव हुए, और उसके बाद 10-12 दिन मुझे और लगा कि मैं इस दर्द को यहाँ से, मतलब मेरे को ऐसा ना लगे कि ये स्टिचेज है खुल जाएगा, ऐसा मुझे 10-12 दिन तक फील होता रहा कि अभी ये मतलब जुड़े हुए नहीं, ऐसा लगता था मुझे। तो वो जो फीलिंग है वो उसमें करीब मुझे 20-25 दिन जो है वो लग गए थे नॉर्मल फील करने में। और तो ये स्टिचेस की मेरी कहानी है। उसके बाद भी अभी भी मतलब 2 महीने से ऊपर हो गया है बट अभी भी मुझे वहाँ पर एक खिंचाव सा महसूस होता है कभी कभी, मुझे वहाँ पेन महसूस होता है, कभी कभी मुझे वहाँ इचिंग महसूस होती है, मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे वहाँ फील होता रहता है। ऐसा भी मैं नहीं बोल सकती कि मैं, अरे मुझे वहाँ पर स्टिचेस थे मुझे तो पता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे पूरे टाइम वहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ फील होता रहता है एंड आई थिंक ये काफ़ी नॉर्मल है। तो कुछ ना कुछ वहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर आपको पेन हो रहा है या बहुत ज़्यादा कोई भी फीलिंग वहाँ हो रही है तो फिर आप डॉक्टर को दिखा सकते हो। बट थोड़ा थोड़ा अगर कुछ ना कुछ हो रहा है तो मुझे भी हो रहा है, मतलब मैं अपनी चीज़ आपको बता रही हूँ। वहाँ छूते हैं तो अभी प्रॉपर बोल सकते हैं कि स्किन अभी वहाँ पर आई नहीं है, तो हल्का हल्का ऐसा फील होता है कि हाँ स्टिचेज है। उसके बाद जो स्टिचेस हैं वो मेरे सेम ही जगह पे लगे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कहाँ पर सेम ही पुराना स्टिचेस और नया स्टिच सेम ही प्लेस पे, तो यस जहाँ पहले लगा था वहीं पर ही मेरा अभी भी लगा है। उसके अलावा ना स्टिचेस और बेली के बीच में ना एक ऐसे शेल्फ जैसी बन गई है, मतलब एक ऐसा टायर जैसा होता है ना, पतला सा, बहुत बड़ा सा नहीं, पतला सा। जो बेली फैट है वो तो अलग है बट उसके नीचे एक पतला सा टायर जैसा आता है, देन स्टिच आता है। तो ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही हुआ था और ये सी सेक्शन में होता ही है, बाद में आप वर्कआउट वगैरह करके उसको जैसे तैसा फ्लैट कर पाएं तो कर पाएं, बट वो होता ही है क्योंकि स्टिचेस जब लगते हैं ना तो स्किन को ऐसे खींच करके स्टिच लगाया जाता है, तो उसके ऊपर वाली जो स्किन होती है ना वो लूज होती है और नीचे वाले जो स्टिचेस होते हैं ना वो टाइट होते हैं, तो इसकी वजह से एक ऐसा
मतलब ऐसा बन जाता है, टायर जैसा वहां पर बन जाता है। तो ये चीज भी है, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा है, वो सभी के साथ मोस्टली सी सेक्शन में होता ही है। तो एक ये चीज है। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो स्टमक रिलेटेड इश्यूज से है कि कॉन्स्टिपेशन या गैस फॉर्मेशन, ये सारी चीजें सी सेक्शन के बाद होती हैं। तो मुझे कैसा हुआ, तो ऑफकोर्स मैं कोई अलग नहीं हूँ, तो मुझे भी कॉन्स्टिपेशन स्टार्टिंग में काफी था, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो कम होता जाता है ऑटोमेटिक। आपकी डाइट अगर अच्छी है, आप फाइबरस फूड वगैरह खा रहे हो, बहुत ज्यादा देर तक भूखे नहीं रह रहे हो, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू के एक महीने ज्यादा रहती हैं, देन फिर ग्रेजुअली वो अपने आप विदाउट एनी मेडिसिन वो अपने आप ही धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, उसके लिए डॉक्टर्स कुछ दवाई भी देते हैं, मुझे भी कुछ जेल वगैरह दिया हुआ है, बट मैंने उसको लिया नहीं टू बी ऑनेस्ट। बस मैंने हॉस्पिटल में ही सिर्फ एक बार लिया था, जब डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज के पहले एक बार बोला था, तो वही एक चम्मच मैंने लिया था, एंड देन फिर उसके बाद से अभी तक मैंने नहीं लिया कुछ भी, कोई दवाई को मेडिसिन नहीं लिया। दूध वगैरह मैं लेती रहती हूँ और अपनी डाइट ही, और मतलब ऐसे घरेलू कुछ कुछ चीजें करती थी, तो उससे मुझे हेल्प मिलती थी। तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, बहुत नॉर्मल है, एक महीने तक ज़्यादा रहती है, देन फिर वो कम हो जाती है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, नहीं तो स्टिचेस जो है उस पर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर नॉर्मल पानी वानी पीजिए, अगर ज़्यादा दिक्कत लग रही है तो आप मेडिसिन ले सकते हो, लेकिन आपको ध्यान आपको बस इसी चीज़ का रखना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपके स्टिचेस एरिया पे या स्टमक एरिया पे ना आए। तो वो हो गया, उसके अलावा गैस फॉर्मेशन भी बहुत कॉमन है, बहुत होता है। मतलब मेरे को फर्स्ट टाइम तो मुझे याद नहीं है, बट इस बार मुझे काफ़ी होता था, और इतना अजीब सा होता था पेट में ना, ऐसा लगता था कुछ घूम रहा है, और जब स्टूल पास करते थे तभी भी थोड़ा सा पेन जैसा होता था। तो ये सारी चीज़ें ना वो एक महीने तक रहती है, जब आप अपना यूरिन पास करते तभी भी आपको थोड़ा थोड़ा सेंसेशन फील हो सकता है, स्टार्टिंग के 15 डेज मुझे होता था। तो वो सब मैंने डॉक्टर से पूछा था, उन्होंने बोला था कि वो सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये चीज़ें भी हो रही है तो आपको अपनी डाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, फाइबरस फूड खाना है, और थोड़ा अच्छी डाइट लेना है, ऑयली ऑयली या हैवी सी चीज़ें नहीं लेनी है जिससे ये सारी चीज़ें ट्रिगर होती हैं, वो सब चीज़ें आपको नहीं लेनी है, और थोड़ा मूवमेंट बॉडी में बनाए रखना है, ताकि एक जगह बैठे बैठे भी होता है ना कि आपको प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर ब्लीडिंग की बात करते हैं, तो ब्लीडिंग जो है वो तो इंस्टेंट शुरू हो जाती है, किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है, सी सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, बट बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल डिलीवरी से कंपेयर करें तो ज़्यादातर लोगों को सी सेक्शन में ब्लीडिंग कम होती है। लेकिन कितने दिन होती है तो वो सबका अलग अलग रहता है, किसी का 20 दिन चलता है, किसी का 30 दिन चलता है, बट मैक्सिमम नॉर्मल लोगों मतलब मैक्स टू मैक्स जो है ना वो 40 डेज तक ब्लीडिंग होती है, एंड देन फिर ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है कुछ टाइम के लिए। तो मेरी ब्लीडिंग एग्जैक्ट 40 डेज जिस दिन कंप्लीट हुआ उसी दिन मेरी ब्लीडिंग जो है बंद हुई, इसके पहले थोड़ा थोड़ा मुझे ब्लीडिंग हो ही रहा था। तो मेरी ब्लीडिंग एग्जैक्ट 40 डेज तक चली है, अभी फिलहाल वो खत्म हो चुकी है। तो ये एक है, अब वो कब होगी वो मालूम नहीं है, बट ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ जो होती है उनमें पीरियड्स जो है वो काफ़ी लेट शुरू होते हैं, जब तक वो ब्रेस्ट फीड कराती है तब तक होते हैं बहुत सारे लोगों में, बट किसी किसी को जल्दी भी आ जाता है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये हो गया ब्लीडिंग का, एंड देन फिर काम वगैरह मैंने कब से रिज्यूम किया, एक्सरसाइज डाइट वगैरह कुछ कर रही होगी नहीं, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे 40 डेज तक रेस्ट वगैरह करने के लिए बोला था, भारी सामान उठाने के लिए मना किया था, झुकने के लिए मना किया था, तो वो प्रिकॉशन मैंने पूरे फॉलो किए स्ट्रिक्टली। उन्होंने बोला था 40 डेज के बाद मैं एक्सरसाइज वर्कआउट वगैरह जो है वो कर सकती हूँ, इंटेंस वाले नहीं नॉर्मल वाले कर सकती हूँ, बट मैं टू बी ऑन सेफर साइड मैं 3 महीने तक कोई एक्सरसाइज योगा वोगा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बट आफ्टर 3 मंथ्स मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ अपना डाइट या वर्कआउट या एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल मैं टुवर्ड्स फिटनेस मैं जो है वो थोड़ा सा मूव करूंगी, बट स्ट्रिक्ट मैं कुछ भी अभी ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अभी मैं अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ। और अगर आप मेरे साथ फिटनेस जर्नी पर मेरे साथ चलना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर मैं बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज फिटनेस टिप्स मैं क्या एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं क्या खा रही हूँ सब कुछ वहां पर धीरे धीरे शेयर करूंगी, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये है मेरा फिटनेस का। अच्छा, स्किन की अगर मैं बात करूँ तो स्किन जैसे मेरा ये एरिया जो है ना वो प्रेगनेंसी में, जिन लोगों ने मुझे शुरू से फॉलो किया है उनको पता है कि पूरा ब्लैक हो गया था, यहाँ पर पूरा ब्लैक हो गया था, तो वो धीरे धीरे करके अपने आप जो है 2 महीने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। ये मतलब मैंने नोटिस किया, तुरंत से ही वो होने लगता है, 15 दिन के बाद से धीरे धीरे लाइट होने लगता है, बट अभी काफ़ी ज़्यादा ये लाइट हो चुका है, तो धीरे धीरे ये जो है वो एकदम ही नॉर्मल बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। उसके अलावा स्किन में अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम थी तो वो भी रिड्यूस होने लगती है,
डिपेंड्स, किसी किसी को प्रॉब्लम नहीं थी तो प्रॉब्लम शुरू होने लगती है, बट मैं अपना बता रही हूँ तो मेरी जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक अब धीरे धीरे रिड्यूस हो गई है। और स्ट्रेच मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए थे, स्लाइड थोड़ा बहुत कहीं कहीं आए हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे को बिल्कुल भी नहीं आए थे, बट इस बार थोड़ा बहुत हुआ है, बट बहुत ज़्यादा सब मैं प्रोमिनेंट उनको नहीं बोल सकती कि अरे भाई मुझे स्ट्रेच मार्क्स हो गए, एक आध कहीं जगह पर हुए हैं ऐसा है। तो उसके लिए मैंने एक ऑयल यूज़ किया था और घी वगैरह मैं यूज़ करती थी, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, या मेरे कुछ ब्लॉग्स में मैंने शेयर किया तो आप मेरे वो ब्लॉग्स चेक कर सकते हैं मेरे ब्लॉग चैनल पर। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चीज़ के मिल जाएंगे, मैंने जो भी चीज़ें यूज़ की हैं या आगे करने वाली हूँ, कर रही हूँ वो सब चीज़ों के। तो ये तो हो गया स्किन के बारे में। और हेयर की अगर मैं बात करूँ तो हेयर फॉल मेरा स्टार्ट हो चुका है और झड़ रहे अच्छे खासे बाल, तो मैं सोची अपने बालों को कट करा लूँ। तो पोस्टपार्टम आपके हेयर फॉल शुरू हो जाते हैं 2-3 महीने के बाद से होने लग जाते हैं, जैसे आपका बेबी बोलने करने लगता है, ऐसा मैंने सुना है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं। एंड अगर मैं मूड की अपनी बात करूँ, जो पोस्टपार्टम ब्लूज़ या डिप्रेशन की अगर हम बात करते हैं या एंग्जाइटी की बात करते हैं, तो वो मेरे को इस बार काफ़ी ज़्यादा फील हुआ। फर्स्ट में भी हुआ था और सभी को होता है थोड़ा बहुत, तो डिप्रेशन में उसे नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ एंग्जाइटी जैसा आपको कुछ कुछ फील होता है, मूड्स अप स्विंग्स होते हैं, अप एंड डाउन होता है आपका मूड, वो सारी चीज़ें होती है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे को थोड़ा कम हुआ था, बट अभी सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद, मतलब सेकेंड डिलीवरी के बाद मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही, एक तो मेरे थोड़ी सिचुएशन भी कुछ इस तरीके की रही है, जो लोग मुझे व्लॉग्स में फॉलो करते हैं तो उन्हें पता है कि मेरा ये जो 2 मंथ्स थे वो कितने स्ट्रेसफुल थे, मेरी खुद की रिकवरी थी और भी कुछ कुछ फैमिली कंडीशंस मेरी ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस था। तो मैं कह सकती हूँ कि उस कारण से शायद मेरे को थोड़ा मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम हुआ, अप एंड डाउन, सैड फील करना, कभी कभी एकदम लेफ्ट आउट फील करना, और कभी कभी एकदम यू नो कि अब सब छोड़ो, मोह माया है सब छोड़ो वो वाली फीलिंग आना, तो ये नॉर्मल है और इसके लिए कुछ कुछ चीज़ें आप कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैं कर रही थी, अपने स्ट्रेस अपने स्ट्रगल्स भी उसको भी डील कर रही थी, तो वो सारी चीज़ें थी, वो सब चीज़ें भी मैंने फील की। उस पर मैं आपको सेपरेटली एडवाइस कर सकती हूँ, तो कभी और किसी और वीडियो में ज़रूर आपको बताऊँगी कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल लोगों की लाइफ में इतना स्ट्रेस नहीं होता, मेरी खुद की फर्स्ट डिलीवरी में इतना स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि इस बार कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिसकी वजह से थोड़ा सा एक्सटर्नल स्ट्रेस भी था, इंटरनल स्ट्रेस भी था, तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ पोस्टपार्टम एंग्जाइटी जो है वो मुझे कभी कभी फील होती है। और फिर दो बच्चे हैं तो वो चीज़ भी आ जाती है ना कि पहली बार में तो सिर्फ एक ही बच्चा था, अभी दो हैं तो लाइबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, और सिचुएशंस कंडीशंस जब आपके अगेंस्ट होती हैं तभी भी आपको वो सब चीज़ें फील होती हैं। एनीवेज सब कुछ हो जाता है, थोड़ा सा अपने आप पर आपको कंट्रोल रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। आप वैसे अगर मेरे चैनल से जुड़ेंगे तो मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, पॉजिटिविटी हो, अच्छी डाइट हो, अच्छे वर्कआउट हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, सब कुछ आपको मेरे ब्लॉग चैनल पर देखने को मिलेगा। और प्रेगनेंसी पोस्टपार्टम बेबी केयर से रिलेटेड मैं यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, जो लोग रेगुलर मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपकी अच्छी फ्रेंड बन सकती हूँ, इसलिए मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना। और भी अगर कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक मैंने आंसर नहीं किए इस वीडियो में तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर 4-5 क्वेश्चन होंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो फिर से बना दूंगी आप लोग के क्वेश्चंस का आंसर करते हुए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।